Hello everyone. आवाज आ रही है सभी को? वीडियो एंड ऑडियो शुड बी क्लियर. जल्दी से बता दीजिए. क्लियर है सभी को? बेटा चलिए, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, होना भी चाहिए आप लोगों को. चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहली बात ये है कि आप सभी लोगों को सीएसआर नेट अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि आपको जो एग्ज़ाम है वो नवंबर में होने के चांसेस हैं या दिसंबर में है. तो जो भी है 2-3 मंथ्स बचे हुए हैं तो अपना 100% देना स्टार्ट कर दीजिए अभी से. अब ऐसा मत सोचिए कि जब वो अनाउंसमेंट होगा तभी हम पढ़ेंगे. बच्चे भी थोड़े से रिलैक्स हो गए हैं, बट एनीवेज आप लोग मेहनत करते रहिए. रिलैक्स होने की कोई ज़रूरत नहीं है. जो लोग ऐसा नहीं है कि सब रिलैक्स हो गए हों, कुछ लोग हैं जो कंटिन्यूस अब भी मेहनत कर रहे हैं और ऑब्वियसली दे विल हैव एन अपर हैंड अगर आप लोगों का जब एग्ज़ाम होगा. तो आप लोग प्लीज़ लगे रहिए मेहनत में, इसी का नाम ज़िंदगी है. अ वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन. कैसे हैं आप सभी? हाँ हाँ मैं आ गया हूँ, रिफ्रेश कर लो भाई. आप जानते हैं भाई प्लस कोर्स में आप लोग एनरोल कर सकते हैं यूजिंग द कोड APR10. आपको इससे मिलेगा 10% डिस्काउंट. माई सजेशन, जो CSR नेट जो MSc कर चुके हैं वो लोग 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन को लीजिए. जो बच्चे MSc सेकेंड ईयर में हैं वो 1 ईयर वाले को लीजिए, और जो जिन्होंने MSc में एडमिशन लिया है फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड, तो वो 2 ईयर वाले को बाय कीजिए. क्योंकि आप लोगों को MSc में भी अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं और ये सारे एग्ज़ाम जो पोस्ट ग्रेजुएशन के बेसिस पर होते हैं वो सारे तभी क्लियर होंगे जब एक बार आप गो थ्रू सबको करेंगे. डोंट वेस्ट योर टाइम. MSc वाला टाइम इज़ द एक्चुअल टाइम. इसी बेसिस पर आप लोगों के आगे सेलेक्शन होने हैं. कोई नहीं पूछेगा 10th क्लास में क्या था, 12th में क्या था. इवन BSc भी मैटर करनी बंद कर जाएगी. तो MSc का जो सिलेबस है वही बहुत डिटेल में पढ़ना होगा. क्योंकि अब तक आप ये सभी बच्चे जानते हैं कि हमने 10th क्लियर किया, 12th में अच्छे मार्क्स लाए, BSc में अच्छे लाए. ये सब मार्क्स हमें एक अपर क्लास में अपग्रेड कर रहे थे. लेकिन MSc के बाद आप अपग्रेड नहीं होने वाले किसी क्लास में. MSc के बाद आप रेडी हैं, यू विल गो आउट इन दिस वर्ल्ड, और तब आप लोग वहाँ जॉब करेंगे, काम करेंगे, जो भी करेंगे. तो यानी MSc के बाद की स्टोरी टोटली डिफरेंट है जो 12th से MSc तक रही होगी आपकी. तो इस अप्रोच को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है. बाकी आप अपने अकॉर्डिंगली देख सकते हैं. जैसे कि मैं आप लोगों को बताता हूँ, कोचिंग कोई नेसेसरी चीज़ तो बिल्कुल नहीं है, इसके बिना होगा ही नहीं. लेकिन यस, टाइम कंज्यूम, टाइम बच जाता है बहुत ज़्यादा. वो ट्रिक्स आपको बुक्स में कहीं होती भी नहीं. एक्सपीरियंस भी तो एक चीज़ है, एक्सपीरियंस तो की तो वैल्यू होती है हमेशा, ठीक. तो लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए. आज अपनी स्पेशल क्लास नहीं है, वैसे दिन में थी भाई. स्पेशल क्लास 4 PM पे शिफ्ट हो चुकी है हमारी. मैं शिफ्ट कर देता हूँ. तो अगर आप लेटेस्ट अपडेट रखना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर मेरे को सर्च कर लीजिए, आलोक पवार के नाम से, आपको मिल जाएगा. APR10 कोड यूज़ करना मत भूलना, 10% डिस्काउंट मिलेगा. और ये सिर्फ आपकी भलाई के लिए बता रहा हूँ. प्लस पर आज 9:30 PM क्लास है, तो सभी लोग वहाँ प्रेजेंट रहना भाई. वहाँ पे ग्रुप थियरी चल रहा है. ग्रुप थियरी के जस्ट लास्ट लेक्चर्स बचे हुए हैं 2. तो एक आज की क्लास में हम PYQs करेंगे और नेक्स्ट क्लास में एक लेक्चर और होगा, एंड देन कम्प्लीट रिविजन, और ग्रुप थ्री से हम फ्री हो जाएंगे. दिस इज द नेक्स्ट पार्ट जो हम केमिकल बॉन्डिंग का पढ़ेंगे, ठीक है. आप लोगों को लास्ट क्लास में मैंने बहुत सारी बातें पढ़ाई थी. आप लोगों को सितारों के शहर में लेके गया था जहाँ मैंने आपको नए कॉन्सेप्ट सिखाए थे. अब उन कॉन्सेप्ट को और आगे ले जाने का टाइम आ गया है. अनसिमेट्रिकल डाइगेंस के बारे में मैंने आपसे कुछ डिस्कशन किए थे, याद है सभी को? अनसिमेट्रिकल डाइगेन पे अगर आप कभी भी पहली टाइप ऑफ रिएक्शन आप HCl टाइप कुछ ऐड करते हैं, तो सिमेट्रिकल डाइगेंस पे तो आप जानते थे क्या स्टोरी. अनसिमेट्रिकल में पहले आपको मोर स्टेबल कार्बन कंटेंट ढूंढना है. ए पे अटैक करके मोर स्टेबल बनाइए, बी पे अटैक करके. तो फर्स्ट स्टेप तो ये ध्यान रखना था, राइट. सेकेंड स्टेप आपका क्या था? सेकेंड स्टेप था कि जो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन है उसको रीअरेंज कीजिए और फिर दोनों प्रोडक्ट बना के देखिए मोर स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा है. और जो मोर स्टेबल या मोर सब्स्टिट्यूट एल्कीन बनेगी वही आपका थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट होगा. जब टेम्परेचर वगैरह मेंशन नहीं होता है तो आपको यही बनाना होता है.
है, इस पे मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन दिए हैं, आप लोगों ने वो क्वेश्चन ट्राई भी किए होंगे। ये सारे डिस्कशन करूंगा मैं आप लोगों से, जो भी क्वेश्चन हमारे बाकी रह गए हैं वो सारे हम डिस्कस जरूर करेंगे बेटा। सिर्फ बात इतनी है कि हम इनको कब डिस्कस करेंगे, जब एक बार रिवीजन करेंगे तो जो होमवर्क दे रखा होगा ना, तो इन सबको डिस्कस करते हुए चलेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं, कट नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते हम। आज की क्लास में पढ़ते हैं भाई बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसका नाम है पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, रीअरेंजमेंट डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हो सकती है, तो उनमें से पहली रीअरेंजमेंट का नाम लिख लीजिए बेटा पिनाकोल पिनाकोल पिनाकोलोन कोलोन, राइट। चलिए भाई स्टार्ट करने से पहले, रीअरेंजमेंट है एक टाइप की बहुत इजी बातें हैं, मैंने बताया था अगर आपने बेसिक चीजें पढ़ ली हैं, बेसिक जिसके क्लियर होते हैं उसको कभी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो चलिए भाई स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी एनर्जी दिखाइए सभी लोग, आर यू गाइस रेडी, जल्दी बताइए करें स्टार्ट। बोलो बेटा कल वाले क्वेश्चन को, इसको मैं आपको एक बार, एक्चुअली ये वाला प्रोडक्ट क्यों बन रहा है दैट आई विल एक्सप्लेन यू, एक बार रिएक्शन मैकेनिज्म में आने दो तो मैं आपको बताऊंगा 1, 2 और 1, 4 में से किसको हमने प्रायोरिटी पे लिया है यहाँ पे, तो अभी इसको होल्ड पे ही रखो, बट आई विल एक्सप्लेन दिस दिस पार्ट ऑल्सो इन रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। अरे HW इतने आसान थे, उनको कर लेना, बहुत कोर्स पढ़ाना है आप लोगों को, बच्चों ऐसी हरकतें करते हैं कभी कभी। तो सबसे पहली बात करते हैं भाई पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, इस रीअरेंजमेंट का नाम पिनाकोल पिनाकोलोन क्यों है, ये बहुत इररिलेवेंट बात है, बट एनीवेज स्टार्टिंग के लिए एक लाइट सी बात सही रहेगी, व्हाई डू यू थिंक इसका नाम पिनाकोल और पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट है। पिनाकोल में आई डोंट थिंक सो एंड में ई आता होगा, ई का भाई कोई गारंटी नहीं है, पिनाकोल सर्च कर लेना, स्पेलिंग सही है कि अपन ने सही लिखी है। तो बेटा ये एक्चुअल में पिनाकोल और पिनाकोलोन क्या है, ये साइंटिस्ट के नाम है, एक का नाम था पिनाकोल एक का नाम था पिनाकोलोन, ठीक है, ये बिल्कुल बकवास बात है, ये साइंटिस्ट के नाम के ऊपर रिएक्शन नहीं है, ये एक्चुअली कंपाउंड के ऊपर नाम है, जैसे कि एक है ओल, इसका मतलब इसमें अल्कोहल है, और दूसरा है ओन, ओन का मतलब होता है, वैसे तो कीटोन होता है, इस कीटोन ही बनता है, इसको आप थोड़ा सा नाम से याद रखेंगे, ठीक है, कि अल्कोहल से ओन बनने वाला है। तो पहले तो आपको ये लिखना है कि व्हाट इज पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, सिंपल वर्ड में, ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करेंगे इस बात पे, सिर्फ ये लिख लो कि जो रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ डायोल की नहीं है, 1,2-diol की रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ 1,2-diol, यानी एडजेसेंट कार्बन पे दो OH ग्रुप जुड़े होंगे, In the presence of acid पे हम अभी आएंगे कि सर कौन से एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, लेकिन हाईलाइट करने वाला वर्ड है रिएक्शन ऑफ 1,2-diol, ये हाईलाइट करने वाला वर्ड है, तो इनको हाईलाइट करते हुए चलिए, हालांकि आपको ये नोट्स तो मैं दे दूंगा आपके लिए बना रहा हूँ, ठीक है, टू गिव कार्बोनिल कंपाउंड, कीटोन बनता है जनरली कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड मिलेगा, और सीधी सी बात है रीअरेंज का मतलब क्या है, तो थ्रू रीअरेंजमेंट, यानी रीअरेंजमेंट जरूर थ्रू रीअरेंजमेंट, कोई डेफिनेशन वेफिनेशन तो रटने की जरूरत नहीं, कोई आपसे पेपर में ये तो पूछ नहीं रहा, बताओ व्हाट इज पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, जितनी भी नेम रिएक्शन है उनमें आपको बहुत बेसिक बातें पता होनी चाहिए, स्टार्टिंग क्या है, एंड प्रोडक्ट क्या है, और आप किसको यूज कर रहे होंगे, बाकी का मैकेनिज्म एक बार देख लेना चाहिए। तो आप पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट के बारे में जैसे मैंने आपको बता दिया, एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऐसे बना सकते हैं कि मान लीजिए 2-3 ग्रुप जुड़े हुए हैं इस तरीके से, कोई ग्रुप का नाम है R1, यह है R2, यह है R3 और यह है R4, और इन पर दो OH ग्रुप जुड़े हुए हैं, राइट, इस तरीके, तो 1,2-diol होंगे, ये R1, R2, R3, R4 सब कुछ हो सकते हैं,
नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता नाम भूलने से, डोंट वरी अबाउट इट। आपके पेपर में अब ऐसे ये क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, 11th 12th क्लास के तो बच्चे आप है नहीं कि बताइए इससे इसको कन्वर्ट करेंगे तो इसका नाम क्या होता है। बट आप भूलेंगे क्यों जब मैंने आपको साफ साफ बता दिया कि ये तो कम से इसको तो कनेक्ट कर रहा हूँ ना। उनका तो भूलना फिर भी जायज होता है कि जो नाम से कनेक्शन नहीं रखते होते हैं, ओल और ऑन, एल्कोहल से ऑन बना रहे हैं तो इसको याद रख लेंगे तो क्या चल जाएगा आप लोगों का, बोलो भाई। तो इस केस में क्या होगा, एसिड की प्रेजेंस में। तो सबसे पहला पार्ट है कि सर ये बताओ कि जो एसिड है वो कौन सा होना चाहिए। इस एसिड पे थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। चलिए ये जो एसिड है इसको आप ऐसे लिख लीजिए, एग्जामिनर किसी भी टाइप के एसिड का इस्तेमाल कर सकता है। यानी कि एग्जामिनर चाहे तो आपको मिनरल एसिड दे देंगे, जो हम इनऑर्गेनिक में जनरली डील करते हैं मिनरल एसिड। मिनरल एसिड्स में क्या, जैसे H2SO4 HCl, HCl भी हो सकता है, H2SO4 भी हो सकता है, H3PO4 भी हो सकता है। ये भी आपको एरो पे लिखा मिल सकता है, यानी कि मिनरल एसिड भी रिएक्शन को ट्रिगर कर देंगे। इसके अलावा ऑर्गेनिक एसिड्स, कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स भी यूज हो सकते हैं। वैसे आपको क्लियरली लिखा मिलेगा H+ या H2SO4, आप समझ जाएंगे इसमें, मतलब ऐसा कोई इश्यू नहीं आएगा किसी को भी, ओहो सर यहाँ तो पिनाकोल पिनाकोल होते, हम तो सोच ही नहीं पाए, अबे 1,2-diol था और क्या होगा वहां पे, ठीक है। इसमें जैसे आप सैलिसिलिक एसिड यूज कर सकते हैं, और भी कोई ऑर्गेनिक एसिड हो सकते हैं, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लुईस एसिड भी अब काम को सर्व कर देंगे, लुईस एसिड भी चलते हैं। 1,2-diol पे आपको इसमें से कोई से भी दिखे तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, जैसे कि BF3 हो गया है, ZnCl2 हो गया है, MgCl2 हो जाए, लुईस एसिड भी ये काम कर देंगे, राइट। बनेगा क्या, तो बनेगा के लिए ना आप लोग ये बात ध्यान रखिए कि हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। इसमें दो स्टेप हैं, टू स्टेप्स, मैं इसलिए देता हूँ टू स्टेप। पूरी रिएक्शन को आप सिर्फ दो स्टेप्स में करेंगे तो हमें दोनों स्टेप बहुत क्लियर होने जरूरी है। पहला स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप में स्टेप नंबर 1, जो भी कंपाउंड आपको दिया हुआ है, मान लीजिए मैं जो लेके चला था बेटा वो सिंपल सा लेके चला था, ये वाला सिंपल कंपाउंड था OH OH, R1 R2 R3 R। स्टेप नंबर 1 कहता है जो आपका एसिड है वो इन किसी भी अल्कोहल के जो लोन पेयर हैं उन पे अटैक, सॉरी एक तरीके से लोन पेयर जो है इस एक्सप्रेस पे अटैक करेंगे, लेकिन आपके पास दो OH आयंस है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि OH आयंस आपके पास, सॉरी दो OH ग्रुप हैं, अगर ये सिमेट्रिकल हुआ तो किसी पे भी अटैक कर ले कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एग्जाम में ऐसे सिंपल क्वेश्चन नहीं आते कि सिमेट्रिकल दे दिया जाए। तो आपको पहले स्टेप में याद रखना है उस वो वाला OH अटैक करेगा, मान लीजिए इसने अटैक कर दिया तो भी इसके लूज करने पे क्या बनेगा, एक कार्बोकैटायन यहां पर, और दूसरा वाला अटैक कर दे अगर ये वाला तो कार्बोकैटायन बनेगा यहाँ पे। तो आपको पहले स्टेप में अपनी नजरें ऐसी रखनी है कि आप उसी OH पर अटैक कराइए, उसी को H2 बना के लूज करवाइए जहां पर मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा है। तो स्टेप नंबर 1 बहुत क्लियरली लिख लेना कि फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। मैं बिल्कुल जनरल बात समझा रहा हूं, मैंने R1 R2 R3 R4 कुछ भी नहीं लिखा। तो लेट्स अज्यूम कि इस वाले OH के हटने पर मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनता है, तो आप लोग क्या करेंगे, इसको हटा देंगे। बस आपने बहुत आसानी से कह दिया कि सर देखो हुआ कुछ ये है कि ये है R1, ये है R2 और ये है सर हमारे पास OH, R3, R4 एंड पॉजिटिव चार्ज। व्हाट इज सेकंड स्टेप क्या होगी, जो कि बहुत काम की चीज है। स्टेप नंबर 1 आप समझ गए, व्हाट शुड बी द स्टेप नंबर 2। तो आप सब बात ये समझ पा रहे होंगे, सर स्टेप नंबर 2 में अब होगा रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट तो होके ही रहेगा, क्यों, क्योंकि रीअरेंजमेंट होने से मीजोमेरिक स्टेबलाइज कार्बोकैटायन बन रहा है, वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन।
जब आप रीअरेंजमेंट करेंगे तो आप किस बेसिस पे करेंगे, आप किसको माइग्रेट करेंगे। तो एक बात समझो बेटा, चाहे तुम R2 को माइग्रेट करवाओ या R1 को, स्टेबलाइजेशन तो कौन सा मिलेगा? मीसोमेरिक। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि नहीं बताई थी, बोलो भाई। जब मीसोमेरिक स्टेबलाइजेशन मिलने वाला हो तो आप किसको शिफ्ट करेंगे, कौन से ग्रुप को शिफ्ट करना चाहिए? तो वहां हम देखते हैं क्या, माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड, माइग्रेटिंग जो एबिलिटी है उसी के बेसिस पर होगा, यहां और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। तो यहां मैटर करेगा शिफ्ट शिफ्टिंग या रीअरेंजमेंट ऑफ शिफ्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ एब्सोल्यूटली करेक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। समझ में आई बात? यहां आप ये मत सोचना एक CH3 एक PH है, कि आप ये सब CH3 को शिफ्ट कर देते हैं सो दैट कि PH पे बनने वाला पॉजिटिव चार्ज मोर स्टेबल होगा। नहीं, यहां तो प्लस एम मिलने वाला है ही। तो यहां आप जो मेजर बात ध्यान रखेंगे, जो बच्चे गलती करते हैं पेपर में वो ये बात भूल जाते हैं, वो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड की बजाय किसको आंसर कर देते हैं, वो देखते हैं मोर स्टेबल कहाँ बन रहा है। तो वो बेसिकली उन्हें मोर स्टेबल भी देखना नहीं आ रहा, ठीक है। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के बेसिस पे आप इसका शिफ्टिंग कर देंगे। मान लीजिए आपने शिफ्टिंग कर दी, लेट्स से R2 की माइग्रेटिंग एबिलिटी R1 से ज्यादा है, तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो किस तरीके से हो? अगर R2 की एबिलिटी ज्यादा है तो R1 यही रहेगा OH के पास, ठीक है। यहां R2 शिफ्ट हो जाएगा R3, R4 एंड पॉजिटिव चार्ज। और लास्ट स्टेप में क्या होगा, ये लोन पे खड़े खड़े तमाशा देखेंगे, ठीक है, चल बेटा बहुत हो गया खेल, फाइनल प्रोडक्ट आपका इस तरीके से बन जाएगा R1C(OC)R2R3R4। तो पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट सिर्फ दो बातों पर बेस्ड है। जिसको ये दो बातें समझ में आ गई है उसे चाहे नाम याद रहे इंट्रेक्शंस का या ना रहे, उसे कभी कोई फर्क नहीं, उसे सिर्फ ये देखना आना चाहिए मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन कब बन रहा है। और ये हमने पूरे टाइम वर्क किया है, जीओसी में भी, रिएक्शन इंटरमीडिएट की बिगिनिंग में भी हमने देखा था स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन में कौन से फैक्टर वर्क करते हैं। दूसरा इज शिफ्टिंग करनी है ऑन द बेसिस ऑफ माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड मैंने आप लोगों को पहले भी पढ़ा है, लेकिन अब मैं उसको थोड़ा सा और थोड़ा सा आपके लिए ज्यादा ग्रुप रख के दिखाता हूँ, ताकि हमारे लिए कंपेयर करना और आसान हो जाए। लेकिन जितना पढ़ाया था ना उससे भी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन क्योंकि अब माइग्रेटरी एप्टीट्यूड की बात आ ही गई है तो मैं थोड़ी सी स्टेबल को बड़ा बनाना चाहता हूं, ठीक है। ऑर्डर ऑफ माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, और याद रखना ये जो एप्टीट्यूड है कार्बन से कार्बन पर अगर रीअरेंजमेंट हो रही है तो है, आप आगे हम कहीं रिएक्शन पढ़ेंगे भी उसमें कार्बन टू ऑक्सीजन भी होता है कई बार, तो वहां ऑर्डर उल्टे सीधे हो भी सकते हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता चला जाऊंगा। तो लेकिन ये ऑर्डर जो है ये किसके लिए है, नोट करके सभी बच्चे लिखेंगे, कार्बन टू कार्बन रीअरेंजमेंट, फिलहाल इस बात को लिख लीजिए। अरे इक्वल, अरे ये अजम्पशन है, मैंने कहा लेट्स अज्यूम। अच्छा हर बार लिखूं क्या मैं कि लेट्स अज्यूम R2 R1 में से R2 की माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है, बस मान लो फिलहाल के लिए, ठीक। तो अब आपको एक ऑर्डर की तरफ चलना है जो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, लेकिन अब उसमें मैं कुछ और ग्रुप जोड़ रहा हूँ। देखो सबसे ज्यादा माइग्रेटिंग एबिलिटी जनरली जो होती है वो होती है एसाइल ग्रुप, लगभग इतनी ही विनाइल ग्रुप की भी होती है, एक साथ नहीं आएंगे डोंट वरी, इतना तो बात जितनी मैं आपको बात बता रहा हूँ इतनी आएगी नहीं कभी भी। और इतनी ही होती है जो इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप होते हैं, सीधा इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप। हालांकि आपने कहा था सर आपने तो लास्ट टाइम बताया था कि बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप जुड़ेंगे तो माइग्रेटिंग एबिलिटी कम होगी, अभी मैं इस बात पे भी आऊंगा। तो आप इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप में इसे मान सकते हैं, कोई भी CN हो गया है, NO2 हो गया है, CH3
CO2ET हो गए हैं, ऐसे ग्रुप, एल्डिहाइड हो गया, कुछ भी हो गया है, इन ग्रुप्स की बात चली रखो। ये अगर डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, अगर ये डायरेक्ट अटैचमेंट रखते हो, इसका रीजन भी आपको समझ में आएगा, डोंट वरी, ऐसा नहीं किसी चीज का रीजन नहीं है। नेक्स्ट इज, इनसे कम एप्टीट्यूड रखता है हाइड्राइड शेप, और हाइड्राइड में आपको मैंने बताया था सबसे ज्यादा टेंडेंसी एच की है, देन टी की है, एंड देन डी की है, इस बात को आप लोग ध्यान। इसके बाद आपको बेंजीन या फिनाइल रिंग से जुड़े हुए ग्रुप्स को पढ़ाया था, तब मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाले आगे आएंगे, फिर फिनाइल रिंग, और फिर उस पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जुड़े हुए। तो कुछ ग्रुप मैं आपको बता रहा हूँ, देखो मान लीजिए ये जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ, इस तरीके से ओ नेगेटिव, तो ये वाला जो एंड है ये उस कार्बन से जुड़े हैं, दिस इज योर ग्रुप। ये ग्रीन बनाने का मतलब है यहां से ग्रुप स्टार्ट हो रहा है, यहां से कनेक्टिविटी होगी इसकी, तो आप समझ रहे हैं ओ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहा होगा। इस टेबल को थोड़ा सा बना रहा हूं मैं, रटना किसी को नहीं है, बस जितना हमें पता है मोर देन सफिशियंट है। उसके बाद मान लीजिए मैं एक और ग्रुप बना दू, NMe2, जुड़ा कहां से होगा ये, इस तरीके से। तो ओ नेगेटिव में आप भी जानते हैं नेगेटिव चार्ज डोनेट हो रहा है, और NMe2 में लोन पेयर का रेजोनेंस हो रहा है, तो नेगेटिव चार्ज ऑब्वियसली ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। ठीक है, अभी मैं बता दूं कौन कौन से फैक्टर माइग्रेशन को अफेक्ट कर रहे थे, जिसके बेसिस पे मैंने थोड़ा सा ऑर्डर लगाने की कोशिश की है, बट राइट नाउ आप लोग इस ऑर्डर को लिखते जाइए साथ साथ, बहुत काम की चीजें हैं। इसके अलावा अगर मैं OME लगा दूं, ये ग्रुप, या फिर उससे कम होगा, इतने कुछ इस्तेमाल नहीं होने वाले, याद रखना। मैंने क्या बताया, जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड मैं आप लोगों को पहले सिखा चुका हूं उससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, बट ये एक ऑर्डर लिख पा रहा, पता होना चाहिए। उसके बाद इस टाइप की चीज, क्योंकि तो एक तरीके से प्लस एच टाइप दिखा रहे होंगे इसी साथ। उसके बाद आ जाएगा सिंपल बेंजीन, सिंपल बेंजीन, राइट। उसके बाद बेंजीन पर हेलोजन जुड़े हों अगर, तो याद रखना आई वाले का ज्यादा, देन बी आर, देन सी एल। आप समझ रहे, जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, हेलोजन का माइनस आई इफेक्ट डोमिनेटिंग होता है, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है तो जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है वो कम होता जा रहा है, राइट। नेक्स्ट, इसके बाद आप यहां डायरेक्ट CF3 आ सकता है किसी क्वेश्चन में, आएगा तो लगा देना, नहीं आएगा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बहुत रेयर चांसेस हैं। देन CN, देन NO2, समझ रहे हो, बहुत ही खतरनाक बातें हैं ये, आपको पता चल जाएंगी तो आपको कोई क्वेश्चन कभी अटकेगा नहीं। पेपर में बहुत सिंपल क्वेश्चन होंगे, मैं इन पे क्वेश्चन बना बना के नहीं कराऊंगा, क्योंकि मैं कराऊंगा वही जिनसे पेपर में सवाल आएंगे, यहाँ से तो अपने आप बना सकता हूँ मैं सवाल, तो वो हमें बनानी नहीं है, हमें करना वो है जो एक्चुअल में हमारे काम की चीज़ है। फिर 3 डिग्री वाला, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, एंड देन मिथाइल। तो ये ऑर्डर आप लोगों को ध्यान रखना है जो आपको स्क्रीन पे इस वक्त शो हो रहा है, कंप्लीटली सभी को शो हो रहा है। अब आप ये कहेंगे सर देखिए, एक तरफ तो हमें ऐसा लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन ये माइनस आई और बढ़ता जा रहा है, माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड आप कह रहे हो कम होता जा रहा है, और यहां आपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वालों को सबसे आगे रखा हुआ है, तो दो चीज पे डिपेंड करती है बात। देखो किसका माइग्रेशन होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं सिंपल सा केस है, इस तरीके यहां है पॉजिटिव चार्ज, यहां पर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप है, एक ग्रुप जुड़ा हुआ है NO2, राइट। यहां पे कोई भी दो ग्रुप हो सकते हैं, G1 और G2। अब मेरी बात समझो ध्यान से, आप लोग कह सकते हैं सर G1 और G2 में क्या होता है, सर मान ली क्यों ना हम माइग्रेटरी एप्टीट्यूड देखें, तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड एक तो इस चीज पे भी डिपेंड करता है,
क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, राइट। तो पॉजिटिव चार्ज पे वो माइग्रेट करेगा जिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो माइग्रेट करने की एबिलिटी बढ़ती है। तो मैं आपको कह रहा हूं माइग्रेटरी एप्टीट्यूड अभी फिलहाल आप दो चीज पे लिख लीजिए, डिपेंड करता है आगे, और हर चीज का एक प्रॉपर रीजन है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है। देखो जब पहली बार मैंने माइग्रेटरी एप्टीट्यूड बताया था तब मैंने सिर्फ आपको बहुत थोड़े से ग्रुप बताए थे, इस बार मैं डिस्कस कर रहा हूँ तो माइग्रेटरी ग्रुप के ग्रुप नंबर ऑफ ग्रुप बढ़ा दिए प्लस थोड़े से रीजन बता रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम जब डेप्थ में जाएंगे तो ये बातें पहले से ही पता होंगी, चीजें ऐड होती जाएंगी एप्टीट्यूड। एक चीज तो ये है बेटा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि जिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है वो पॉजिटिव की तरफ को अट्रैक्ट होने की एबिलिटी ज्यादा रखता होगा, क्योंकि एक तरीके से वो न्यूक्लियर फाइल की तरह अटैक कर रहा है उस पॉजिटिव चार्ज पर, राइट। एक फैक्टर ये, दूसरा फैक्टर ये भी है, सोचो मान लो G1 और G2 की माइग्रेट करने की एबिलिटी बहुत मस्त है, राइट। लेकिन अब ये सोचो कि G1 के जाने से क्या हुआ, G1 के जाने से G1 में अंधकार आ गया है। क्यों आ गया है? अगर आप G1 को यहां ले आएंगे G1, राइट, और NO2 के पास ले आएंगे पॉजिटिव चार्ज, तो ये जीते जी मर जाएगा मॉलिक्यूल, बात समझ आ रही? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विद्रोइंग ग्रुप जो है ये इसको डिस्टेबलाइज करता है बहुत ही ज्यादा। तो माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड में सिर्फ और सिर्फ एबिलिटी मैटर नहीं करती है, उस पॉजिटिव चार्ज का स्टेबलाइजेशन भी कई बार मैटर करता हुआ नजर आएगा, और कई जगह कुछ भी मैटर करता हुआ नजर नहीं आएगा, जो प्रोडक्ट होगा वो हो गई, सीधी सी बात है। वो बहुत रेयर केसेस हैं, वो बहुत रेयर एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको लिखवा दूंगा अगर ऐसे हमारे कोर्स में आएंगे, लेकिन पेपर में बहुत सिंपल केस आते हैं, हाईली अनस्टेबल। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर जुड़े होते हैं, अब मॉलिक्यूल इतना अनस्टेबल होने के बजाय यही कहेगा भैया हाँ ठीक है हमारा एप्टीट्यूड ज्यादा, पर NO2 एक काम करो बेटा तुम ही जाओ यहाँ से, ठीक है तुम ही खुश रहो। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के अलावा स्टेबलाइजेशन ऑफ चार्ज फॉर्म ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑफ कार्बो या कार्बोटन हो सकते, तो ये दोनों फैक्टर जो है, जैसे कि आपको मेरी बातों समझ में आ गया होगा, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड इतना सिंपल केस नहीं होता है, और जब किसी चीज को एक से ज्यादा फैक्टर अफेक्ट कर रहे होते हैं तो आप जानते हैं कि कभी कभी क्या होता है दोनों में से कौन सा डोमिनेट होगा ये डिसाइड करना हमारे लिए कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है, जैसे कि हमने पीरियोडिक में भी पढ़ा है, बॉन्डिंग में पढ़ा है कि वेन वन फैक्टर इज कोई भी एक चीज को, जैसे आयनेशन एनर्जी ही है, उसको साइज भी अफेक्ट करता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन भी अफेक्ट करता है, बट समटाइम्स साइज समटाइम्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, तो दोनों में से डोमिनेट कौन सा होता है जनरल आइडिया तो मैंने आपको दिया ही है, बट फिर भी अगर किसी रेयर केस में दोनों से आंसर नहीं आ रहा है तो आप बिलीव करेंगे कि दिस इज हाउ केमिस्ट्री वर्क्स, हमें लड़ाई नहीं करनी है केमिस्ट्री के साथ, पर आपके सारे एग्जाम के क्वेश्चन हो जाएंगे, आपको कभी भी 1% दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अब मैं बता दूं पेपर में क्वेश्चन कैसे होंगे। देखो जैसे कि मैंने आपको कहा था, चाहे इनऑर्गेनिक हो चाहे फिजिकल हो चाहे ऑर्गेनिक, सभी में एक थियोरी होती है, उस थियोरी को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, उसके बाद आप एग्जाम्पल से प्रैक्टिस कर लेते जाइए, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं और देखता हूं कितने बच्चे सही आंसर करेंगे। दोनों साइड मेरे पास CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं, CH3 दिस, और एक तरफ दोनों मेरे पास जुड़े हुए हैं, देखो ये CH3 है, ये CH3। मैं सिमेट्रिकल लेके क्यों चलूं, वहां तो चीजें आसान होंगी पहले से, OH एंड OH। मैंने आपको एक भी एग्जाम्पल नहीं दिया अब तक, राइट, आप मेरी बात समझ रहे हैं, मैंने सिर्फ थियरी बिहाइंड द रिअरेंजमेंट समझाई, और मैं इतना श्योर हूं कि आप लोग बिना कुछ बताए इसका सही प्रोडक्ट बना सकते हैं, और अगर आप सही प्रोडक्ट बनाते हैं इसका मतलब मैं बिल्कुल सही पढ़ा रहा हूं और आप लोगों के कॉन्सेप्ट बन रहे हैं इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एज वेल। चलिए काम आसान करने के लिए मैंने डाल दिया H+, स्टेप नंबर 1 कीजिए। तो मैं आपको ये मान के चलता हूं कि ये A है OH, ये B है, जल्दी बताइए बेटा A और B में से किस पर अटैक होना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू, आपको क्या लगता है किस पर अटैक होगा, जल्दी बताइए। जल्दी बताओ
तो पहले स्टेप में आपको ये देखना है कि मोर स्टेबल कार्बोकैटायन कहाँ बनेगा, राइट? तो मोर स्टेबल बनेगा बी पे अटैक होने पे। तो ऐसी बेवकूफी तो नहीं कीजिए आप लोग कि आप स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन समझानी पड़े, राइट? तो पी एच, क्योंकि दो बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है यहाँ पे, दिस पॉजिटिव चार्ज इज मोर स्टेबल, यहाँ पे है ओ एच। दूसरे स्टेप में आप बताएंगे, दूसरे स्टेप में बताने को कुछ है नहीं क्योंकि ये दोनों तो सेम ही हो गए, तो मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा, तो फाइनल प्रोडक्ट आपका बनेगा दिस पी एच पी एच सी एच थ्री डबल बॉन्ड ओ। क्या समझ गए आप लोग बातों को? बस यही है पिनाकोल पिनाकोलोन और क्या, लगे रहो इसमें। हाँ, थोड़े अलग अलग स्पेशल स्पेशल केस को हम जरूर देखेंगे और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप लोग बिल्कुल सही बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है? चलिए एक और केस दे रहा हूँ आप लोगों को, बिल्कुल तसल्ली से करते जाइए, कुछ इजी भी होंगे कुछ डिफिकल्ट भी होंगे, हर टाइप के केस होंगे यहाँ पे, ठीक है? अगर मैं थोड़ा सा इजी और दे दूं, चलो पी एच जुड़ा हुआ है, एक और पी एच जुड़ा हुआ है इस तरीके से, दो ओ एच है, ओ एच बताओ बेटा कौन से वाले अल्कोहल पे अटैक होगा और फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? मानते हैं इसको ए और बी। तो जब आप आंसर कर रहे हो तो बस ये लिख दो अटैक किस पे होगा, बी, और फिर शिफ्ट किसका होगा, ऐसे ए एंड देन शिफ्ट किसका, तो मैं समझ जाऊंगा आप बिल्कुल सही प्रोडक्ट बना देंगे। और तो समझ के जल्दबाजी मत करना, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, फर्स्ट अटैक ऑन ए एंड देन हाइड्राइड शिफ्ट। देखो क्या देखो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन में पढ़ाई चुका हूँ, हमें ऐसी फीलिंग आई नहीं रही कि सर कुछ नया पढ़ रहे हैं और नेम रिएक्शन कवर हो गई है, इस पे OH को लगे रहने दो। अब कौन सा शिफ्ट होगा, तो इसके पास है ही क्या, दो हाइड्रोजन है, आप हाइड्राइड शिफ्ट कीजिए, फाइनल प्रोडक्ट क्या, देखो आप समझ गए जहां पे कार्बोकैटायन बने, अब जहां पे OH जुड़ा हुआ है डायरेक्ट वहां पे आप लिख भी सकते हैं पी एच पी एच सी डबल बॉन्ड ओ, क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चन तो इजी हैं, आप कितने भी कर सकते हैं, एक होमवर्क दे रहा हूं उसको घर से करके लाना, घर से करके लाना, तसल्ली से बनाओगे तो बन जाएगा, यू मतलब सर अब उसे डिस्कस करो जो लास्ट क्लास में दिया था, आसान है, टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो उस पर, पी एच पी एच इस तरीके का क्वेश्चन, दो पीएच पीएच और एच और दो ओएच पिनाकोल पिनाकोल। इसको थोड़ा सा अगले लेवल पे ले जाते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट करते हैं कुछ, ठीक है? दिस इज योर होमवर्क, ट्राई करना आपको क्या लगता है क्या बनेगा। अब थोड़ा सा मस्त सवाल पूछता हूँ आप लोगों से, वो क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से, एक फाइव मेंबर रिंग, दूसरी फाइव मेंबर रिंग, दो ओ एच, अब आएगा खेल का मजा, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल तो आपने पढ़ा था, जब डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल कराना होता था तो आप लोग क्या करते थे बेटा, अब जानते हैं सर, पॉजिटिव चार्ज डबल रिंग एक्सपेंशन फाइनल प्रोडक्ट। लेकिन आज सवाल है यहां क्या होगा, स्टेप वाइज चलिए बेटा, मैं कुछ नहीं बता रहा, मैंने सिलेक्शन के बारे में कुछ आपको जो बेसिक पढ़ाना था ना, वही मैं आपको हर क्लास में कहता था कि बेसिक पे ध्यान दो, आपने अगर वो बेसिक सुधार लिए तो आगे जाके उसकी एप्लीकेशन ही तो है। फाइनल प्रोडक्ट बनाइए, देन वी विल मैच, मैच करेंगे कि आप क्या प्रोडक्ट बनाएंगे। तो पहले स्टेप में आप लोग समझ गए क्या कर रहा होगा आपने, इन द फर्स्ट स्टेप आप लोगों ने किसी पर भी अटैक कर दो क्योंकि सिमेट्रिकल है। लेट सपोज आप लोगों ने यहां पे कार्बोकैटायन बना दिया, राइट? अब नंबरिंग करके चलना हमेशा, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, ये मैं पहले करा चुका हूं, ऐसा नहीं है कि आपने पहले कभी करा नहीं है, जिंदगी में पहली बार देखे। आप जानते हैं टू और सिक्स के बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा और सिक्स और वन के बीच बनने लगेगा, क्लियर?
वो 6 मेंबर टीम बन जाएगी, वो तो बना लो, हमें क्या इतनी टेंशन है। एक बनेगी 6 मेंबर टीम और वन पे चोंच लड़ रही है इनकी, चोंच मटक्का कहते हैं इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बुक, ऐसा लिखा मिलेगा आपको। तो नंबरिंग कर लो भाई, दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 और 1 जुड़ गए आपस में। और 2 पे क्या है, 2 पे तो OH था, पॉजिटिव चार्ज, दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। या कुछ और करने की जरूरत है अभी? क्या आप एक बार फिर से रिंग एक्सपेंशन करेंगे, उससे क्या फर्क पड़ेगा? देवशीष 2 और 3 को ब्रेक करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा उससे? कुछ अलग बन जाएगा? बताओ बेटा, वन मोर टाइम रिंग एक्सपेंशन होगी? आंसर इज नो, क्योंकि प्लस एम ऑलरेडी स्टेबलाइज कर रहा है इसको। याद कीजिए, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को पहले ही करा चुका हूं। दैट इज वाई योर फाइनल प्रोडक्ट शुड बी एक 6 मेंबर्ड चोंच मटक्का डबल बॉन्ड ओ। समझ में आया आप लोगों को? बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बहुत मजेदार चीज है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो आपको पढ़ाया है उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक 6 मेंबर्ड रिंग है राइट, CH3 CH3, तो OH H, बताओ बेटा व्हाट शुड बी द फाइनल प्रोडक्ट। मैं दोनों हाइड्रोजन को नंबरिंग कर देता हूं, ए बी, आराम से सीखिए। मैंने आपको बताया था टाइम लगेगा, पर देखो फायदा ये हो रहा है कि अब हम बिना पढ़े ही बिना बोलन पे, कि मैंने एग्जांपल थोड़ी दिए कुछ भी, मैंने तो आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन आपको पता था, मैग्नेटिक एप्टीट्यूड आपको पता था, तो आप लोग अपने आप ही चले जा रहे हो कहाँ रिंग एक्सपेंशन होगी, कितनी होगी, नहीं होगी, ये लो ये सब आप ही तो बता रहे हो मेरे को, मैं थोड़ी बता रहा हूँ आपको। समझ में आ रही है बात? बोलो बेटा, जल्दी बताइए, कर लिया आप लोगों ने, बताइए क्या होगा? मिथाइल शिफ्ट, आप लोग ये बात तो जानते हैं सर, अटैक किसी पे भी करवा दो, ए और बी, कोई फर्क नहीं पड़ सकता राइट, बिल्कुल सही बात है। It doesn't make any difference कि अटैक किस पर, symmetrical compound, पर हम मान लेते हैं किसी एक पर अटैक है और इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब आप जानते हैं यू हैव टू पॉसिबिलिटीज, पहला इज मिथाइल शिफ्ट एंड सेकेंड इज रिंग कॉन्ट्रैक्शन। अगर आप माइग्रेटरी एप्टीट्यूड को देखते हैं तो ऑब्वियसली इस रिंग का एप्टीट्यूड क्या है, ज्यादा है। समझ में आ रही बात? क्योंकि एक बात समझो बेटा, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी तो उतनी ही रहेगी जितनी है, क्योंकि आप इसको माइग्रेट कराओ या इसको माइग्रेट करवाओ, और 6 मेंबर्ड और 5 मेंबर्ड, हालांकि हम 6 को थोड़ा ज्यादा स्टेबल मानते हैं, बट ये कोई इतना यहाँ पे फिलहाल इतना डोमिनेटिंग फैक्टर वर्क नहीं करेगा। तो आप देखेंगे जो फाइनल मेजर प्रोडक्ट हमें मिलता है इस केस में, इसको आप ध्यान रखिए, वो यही मिलेगा। आप ये मत सोचिए सर हमें क्या करना है, हमें 6 मेंबर बनानी सबसे ज्यादा जरूरी, ऐसा कुछ दिमाग में मत रखिए। मैंने आपको बताया था कि कभी कभी क्या होता है, आप जो सोच रहे होते हैं ना, जरूरी नहीं वही सही। आपने सोचा और मैं जानता था कि आपने ऐसा ही सोचेंगे, लेकिन इसको समझिए, अगर मैं आपसे कहूं दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, ठीक है, शिफ्ट हो गया इस पे OH, पॉजिटिव चार्ज आ गया इसके ऊपर, और आपको क्या करना है यहां से,
इस तरीके से। तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड जो है उसका इंपॉर्टेंट इफेक्ट रहा। कार्बोकटायन तो बराबर ही स्टेबल है, और ऐसा तो नहीं है कि 6 मेंबर और 5 मेंबर, 5 मेंबर रिंग बनती ही नहीं है, ठीक है। तो आप ना टाइप ऑफ रिएक्शंस देख रहे हैं कहाँ पे कैसा हो सकता है, ठीक है। तो फाइनल जो मेजर प्रोडक्ट मिलता है जनरली वो ये वाला है, अभी बताता हूँ, कोई बात। अगर पिनाकोल पिनाकोलोन रिअरेंजमेंट की बात आती है, डबल बॉन्ड दिस शुड बी अ स्टेबल प्रोडक्ट। देखो बेटा, आपको ये बात पता होनी चाहिए आपका स्टार्टिंग प्रोडक्ट क्या है, स्टार्टिंग मटेरियल क्या है। ये रहा, आप दोनों में से किसी को भी प्रोटोनेट कर सकते हैं, राइट। प्रोटोनेट करने के बाद मिलेगा ये वाला कंपाउंड। मैंने आपको क्या बोला, पिनाकोल पिनाकोलोन में दूसरा स्टेप जो होता है वो होता है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, और माइग्रेटरी एप्टीट्यूड मैं आपको समझा चुका हूँ CH3, और इसमें से इसी का ज्यादा है कि कार्बोकैटायन तो बराबर स्टेबल रहेगा, वहां प्लस एम मिलने वाला है। तो आपको मैंने जो दो स्टेप बताए थे, ऑलवेज फॉलो दीज टू स्टेप, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड वाली बात। तो अगर आप उसी दो स्टेप से चलते रहते, एक्स्ट्रा कुछ नहीं सोचते उल्टा सीधा, तो आपका बिल्कुल सही प्रोडक्ट बनता जो एक्चुअल में बनना चाहिए, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। हाँ देखो, 5 मेंबर 6 में भी जाती है, 6 वाली 7 में भी जाती है, 7 वाली 6 में आती है, 6 वाली 5 में आती है, ये सब चलता है केमिस्ट्री। ऐसा कोई रूल नहीं है कि सर 5 वाली अभी तो 6 में ही जाएगी, 6 वाली 5 में, ये सारी कहानी चल रही है। पर देखिए, क्या ये कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट गया, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या ये कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट गया? आप समझ गए 1,2-डाइओल में आपने एसिड ऐड किया, आपके पास पॉजिटिव चार्ज आया, अब मैं कह रहा हूँ माइग्रेट करवाओ। और मैंने कहा है क्योंकि इस केस में माइग्रेशन करने के बाद जो कार्बोकैटायन बनेगा उसे प्लस आयन मिलेगा, तो तुम माइग्रेटरी एप्टीट्यूड देखो, तो तुम्हें वो देखना चाहिए था जो आप लोगों को बताया है, वो स्टेप जो है वो फॉलो करते हुए चलना चाहिए। आप लोग क्या करते हैं, मिक्सअप कर देते हैं। आप अगर पुराने वाले केसेस टाइप रिएक्शन जैसे मैंने आपको बताया, वहां आपको अपने आप समझ में आ जाएगा रिंग एक्सपेंशन की तरफ को बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है, ठीक है। ये सारे पॉइंट लॉजिकल है और साथ साथ समझ में आ रहे हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन, चलो मैं एक बात और बताता हूँ, एक क्वेश्चन को और देखो और आप लोगों को मेरी बात समझ में आएगी, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, जरा देखिए। कॉन्ट्रेक्शन वाले में बेटा ये हुआ है, मैं बस आपसे इतना पूछना चाह रहा हूँ, देखो आप या तो आप इस CH3 को उठा के यहाँ लगा देते, या आप इसको उठा के यहाँ लगा सकते हैं, राइट। मैंने आपको बताया है कि CH3 से ज्यादा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड तो इस रिंग का है जो लंबी चेन होती है, तो इस बेटा इसको तोड़ो, इसके साथ बॉन्ड बनाओ, बन गई 5 मेंबर रिंग। पॉजिटिव चार्ज किस पे आ जाएगा, इसी पे आ गया, मैंने इसी पे बनाया, ठीक है। एग्जैक्टली, अगर हम 6 मेंबर ही रखें, मैं आपसे यही तो कहना चाह रहा हूँ, अगर आप मिथाइल को शिफ्ट करते हैं तो भी प्लस एम ही मिल रहा है, कार्बोकैटायन को तो दोनों बात बराबर ही पड़ रही है, तो फिर आप क्या देखेंगे, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। यही तो सिखाया है मैंने आपको अभी तक कि क्या देखना है, पहले स्टेप में आपको देखना है कौन सा मोर स्टेबल होगा, दूसरे स्टेप में माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, इसके अलावा तो कुछ पढ़ाया नहीं अभी तक आपको, समझे। चलो एक देखो, एक दो एग्जाम्पल से और बातें क्लियर होंगी, डोंट वरी अबाउट इट, एक एग्जाम्पल में बहक मत जाया करो। आप लोग पता क्या करते हैं, आप लोग दिल में ये उम्मीद बनाने की कोशिश करते हैं 4 वाला 5 में जाएगा, 5 वाला 6 में जाएगा, 6 वाला 7 में नहीं जाएगा। क्या मैंने 6 वाले को 7 में नहीं बना के दिखाया था, याद करो वो एग्जांपल्स। तो आप लोग ये सोचिए मोर स्टेबिलिटी की तरफ को चीजें चलना चाहती हैं अभी। अब देखो और क्लियर होगा, ध्यान से सुनते जाओ, कभी कभी हमारे कॉन्सेप्ट एक एग्जाम्पल से ऐसा लगता है उल्टे हुए, लेकिन उल्टा कुछ नहीं हुआ। इसको आप पेपर में क्या समझ नहीं पाएंगे कि सर 1,2-डाइओल गिवन था तो पिनाकोल पिनाकोलोन रिअरेंजमेंट में हमें चलना था, अब चलो भाई। अब यहां पे आपको ये डिसाइड करना है, मैं आपको यही बता रहा हूं बेटा, 6-5 में जा सकता है, 6-7 में भी गया था, उस टाइम भी तो रो सकते थे हम लोग, अरे सर 6 तो मोस्ट स्टेबल है, क्योंकि अगर रिंग स्ट्रेन इतना डोमिनेटिंग नहीं है तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड फॉलो हो सकता है, समझ में आ रही बात। और इन एग्जाम्पल के थ्रू हम यही तो समझने की तो कोशिश कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कि कहां पे क्या होता है। चलिए, ए और बी में से किस पे अटैक होना चाहिए, तो आप भी जानते हैं बी पे, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। अगर बी पे अटैक होता है तो आप एक ही स्टेप में लिख सकते हैं, ये लीजिए सर, पीएच पॉजिटिव चार्ज, पीएच। अब बताना क्या होगा बेटा, बताओ क्या होगा, अब बताओ, तुम्हारा दिल अपने आप बना ही ना, तुम 7 मेंबर बनाओगे ना, बताओ क्या यू कहोगे, सर बस अब तो यहीं रह जाएगा सर, खुद दुबे नहीं गए,
पहला स्टेप, इसीलिए मैं नेमिंग जो रिएक्शंस है ना, पिनाबोल पिनाकोलोन एक तरीके से पढ़ा रहा हूँ, सो दैट कि आप ध्यान रखें। पहला स्टेप में हमें क्या करना था, कार्बोकैटायन स्टेबल जहां बन रहा हूँ। दूसरे स्टेप में हमें करना क्या हुआ, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, राइट। ये इसलिए समझा रहा हूँ मैं आप लोगों को, तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड कर दो इसको, तो क्या बना देगा, 7 नंबर बनेगा, और बनेगा 100% बनेगा। कर लेते हैं, आप जानते हो कैसे बनाते हैं 7 नंबर। हाँ मैं आप लोगों की सारी सिचुएशन समझता हूँ, ठीक है। कि आप सोचते हैं सर 6 वाली मोस्ट स्टेबल है, बट ऑलवेज रिमेम्बर ये फैक्टर की डोमिनेट होने वाली बात। जैसे मैंने आपको बताया, आपको किसी भी चीज को इतना दिल पे लगा के नहीं रखना है कि नहीं सबको 6 में बना देंगे। सब कुछ होता है, 4 वाली 3 में भी जाती है, ठीक है। तो मैं आपको समझाऊंगा, डोंट वरी अबाउट। 7 नंबर बन गई भाई, 7 नंबर बनेगी। तो एक वन वाले पे 2 pH हैं, और जो 2 वाला है जिसपे OH था, पे पॉजिटिव चार्ज था, तो आप जानते हैं अगला स्टेप क्या होगा। योर फाइनल प्रोडक्ट शुड बी प्लस एम स्टेबलाइज है, तो 6 से 7 में क्यों गया, प्लस एम मिल रहा है ना वहां से। अगर मैं ही मेरा ही कंपाउंड है, वो मुझसे पूछे कि मैं 6 से 7 जाऊं तो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बन जाएगा, तो क्या मैं जाऊं, मैं पूछूंगा रिंग में कुछ ज्यादा स्ट्रेन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो कर ले। तुम भी तो ये जवाब देते, तो क्यों टेंशन ले रहे हो भाई इतनी। और कोई कहे सर रिंग में स्ट्रेन आ रहा है, पर ये भी देखो कितना पॉजिटिव चार्ज है एक तरफ, अनस्टेबिलिटी तो पॉजिटिव चार्ज की भी है। अगर वो अनस्टेबिलिटी खत्म हो रही है और थोड़ा सा स्ट्रेन आता भी है, तो सब जायज है, ठीक है, दाग अच्छे हैं। सिमिलरली इस क्वेश्चन को आप करेंगे, दिस विल बी योर होमवर्क। मान लीजिए बेंजीन रिंग है, 5 मेंबर रिंग, पहले आप सोचेंगे कहां पे अटैक होगा, राइट। तो इसको आप लोग अपने आप सोच सकते हैं। इसके अलावा मैं एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूँ, ध्यान से समझना। और वो क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से, अगर क्वेश्चन कुछ ऐसे हो, pH इधर OH है, कुछ इंटरेस्टिंग बातें सीखने के लिए तो कर रहे हैं। आप सोचिए वही सिंपल सिंपल सिमेट्रिकल लेता रहूं और वही काम करवाता रहूं, तो नया कैसे सीखेंगे। पेपर में मैं कह रहा हूँ पेपर का फिर से वही बात है, आपने जो भी चैप्टर मेरे से पढ़े हैं उनके सारे PYQs भी देखे हैं, कोई दिक्कत आती है, पेपर का लेवल इससे कम ही होगा, जो बात मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, ये इधर है, इधर है, तो इस एग्जाम्पल को देखो बेटा। इस एग्जाम्पल में क्या है, आपके पास 2 OH है। आपको थोड़ा सा डिसाइड करने में डिफिकल्टी तो आएगी, क्योंकि यहाँ एक से ज्यादा फैक्टर लग जाते हैं। बताइए जरा मुझे, आपके हिसाब से एच प्लस आयन को किधर अटैक करना चाहिए। ए और बी विच शुड अटैक, देखो बी पे अटैक करने पे बनेगा 1 डिग्री, जो कि हाईली अनस्टेबल है, मैंने आपको पहले भी समझाया था। इस पे बनेगा 3 डिग्री। ये इसमें सोचने वाली बात है, सर देखो एक डी स्टेबलाइजिंग ग्रुप है, एक स्टेबलाइजिंग ग्रुप भी है, ये दोनों एक दूसरे को अपोज जरूर कर रहे हैं, बट 1 डिग्री बनाने की तो कोशिश करो ही मत कभी भी। मैं जानता था आप में से बहुत सारे लोग इस हद तक आ जाएंगे कि 1 डिग्री कार्बोकैटायन भी बना के बैठ जाए, ठीक। इट शुड नॉट बी ए, इट शुड बी बी। आप कहेंगे सर, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते हैं ऑर्गेनिक में, सर अगर एग्जामिनर ने कल को यहाँ की जगह ये लगा के दे दिया तो हम क्या करेंगे। इट्स नेवर गोना हैपन। एग्जामिनर बुक से ही देते हैं, और मैं आपको बुक्स के ही अच्छे अच्छे एग्जाम्पल देता हूँ, तो या तो यही रिपीट होंगे क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर, ठीक है। तो इसलिए इस केस में आप बी पे ए पे अटैक कराएंगे, मेरे कहने से ए पे अटैक करवाने के बाद आप प्रोडक्ट मुझे बना के दिखाइए क्या बनना चाहिए। बस अगर मैंने आपको बता दिया इस केस में, मान लीजिए कि अटैक ए पे होगा, व्हाट शुड बी योर फाइनल प्रोडक्ट। ये कार्बोकैटायन बन जाएगा OH, यहाँ pH था, यहाँ CO2 ET था,
यहां पर है बेटा पॉजिटिव चार्ज, यही बना। अब क्या होगा, बताओ, हाइड्राइड शिफ्ट वही काम करेंगे जो हर बार कर रहे हैं, यस एच शिफ्ट कर देना और फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा, कर लेंगे अपने आप। इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना रहा हूं इस क्वेश्चन को आप लोगों के लिए। अगर एग्जामिनर इसी चीज को इस तरीके से प्रेजेंट कर देता, इंटरेस्टिंग बात बन जाएगी, ध्यान से समझना। पीएच है सीओ, अब ध्यान से देखो मैं क्या कह रहा हूं, ओ एच ओ एच, सेम क्वेश्चन, पी एच सीओ टू टी टी। अब खेल में थोड़ा सा मजा आएगा, समझ में आ रहा, तो इन दोनों को कंपैरिजन में ध्यान रखो एक दूसरे के। बताओ बेटा, इफ दिस इज ए दिस इज बी, अब बताओ कौन अटैक करेगा। गीतांजलि बेटा पहली बात तो सीओ टू ईटी जो ऊपर वाले क्वेश्चन में आप शिफ्ट करा रहे हो वहां पहले से ही पॉजिटिव चार्ज है, वो शिफ्ट नहीं होगा क्योंकि इस बार दोनों थ्री डिग्री हो रहे हैं और यहां पे एक डिस्टेबलाइजिंग ग्रुप भी है, राइट। तो जब एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है ना तो बहुत क्लैरिटी क्रिएट कर देता है वो तुम्हारे दिमाग में कि तुम थोड़ा सा कंपैरिजन करो, समझ रहे हो, राइट। अगर मैं बिल्कुल ही ऐसे दो चीज अटका के दे दूंगा, आप में से कुछ कहेंगे सर इसे कर दो टू डिग्री और अब बताओ, मैं क्या बताऊं। तो बुक्स जिन लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए हैं, जिन्होंने डेटा दिया है कि यहां से ये मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है, वो भी उसी को एक्सप्लेन करते हैं, मैं भी उसे एक्सप्लेन करता हूं। ना मैं अपने घर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनाता, ना फिजिकल ना ऑर्गेनिक, सीधी बात है, क्लियर है। तो आप लोगों को भी वही अलग डालनी है, अपने आप जबरदस्ती ग्रुप्स मत लगाइए। अगर आप किसी चीज को बुक्स को पढ़ेंगे तो आपको आइडिया जनरेट होगा, बात यह है क्योंकि आप बुक्स कभी पढ़ते नहीं तो आप कुछ भी सोचते हैं। देखो बी पे अटैक करने के बाद आप समझ गए कि सर अब बनेगा कुछ ऐसा खेल, इसमें आ जाएगा हमको मजा। ये पीएच रहेगा, ये सीओ टू ई टी रहेगा, पीएच थ्री पीएच थ्री, यहाँ पे ओ एच और पॉजिटिव। अब बताओ क्या शिफ्ट होगा, यस अब शिफ्ट कराओ। अब आप पीएच शिफ्ट कराने की सोचेंगे अगर, तो आप लोग जानते हैं आप सीओ टू ई टी के पास छोड़ देंगे उसको, क्लियर। तो आप लोगों को ध्यान रखना है इस केस में कि COO2 वाला शिफ्ट होगा, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। हालांकि ये बात समझो ये प्लस एम है, फिर भी हमारे लिए अच्छा रहेगा कि एक निकम्मा ग्रुप हमारे पास ना रहे, तो समझ गया। तो यही बात है, आपको धीरे धीरे समझनी है एग्जाम्पल के थ्रू, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने की कोशिश करनी है, बनानी नहीं है। इट इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, इसमें कोई रोल नहीं है कॉन्सेप्ट को, अपने आप प्रोडक्ट नहीं बनाने, जो बन रहे हैं उनको एक्सप्लेन करना है। योर फाइनल प्रोडक्ट शुड बी पी एच डबल बॉन्ड ओ पी एच थ्री, क्लियर है सभी को। बस आप लोगों को बस इतने ही क्वेश्चन आज की क्लास के लिए सफिशिएंट है। देखो मैंने बहुत बेसिक सी बात पढ़ाई है आज की क्लास में, और जितना हायर लेवल की बुक्स के एग्जांपल को देखते जाओगे उतने ज्यादा और वो कहीं आपको पता क्या करेंगे, वो बताएंगे देखो इस केस में इसका शिफ्ट होना चाहिए था पर इसका शिफ्ट होना, एक्सप्लेनेशन देंगे। तो बात ये है किस लेवल तक जाना है, क्योंकि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, हम अपने कॉन्सेप्ट्स को जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइडिया इतने एग्जाम्पल से मोर देन सफिशियंट है, आपको इतनी बात पता होनी चाहिए किसी भी एग्जाम में जाने के लिए, लेकिन ओवरऑल पिनाकोल पिनाकोलोन अरेंजमेंट में आपको ये दो बातें समझ में चाहिए। आपके एग्जाम के क्वेश्चन आसान होते हैं, इतने डिफिकल्ट नहीं होते हैं, ठीक है, आप पहचान भी आसानी से लेंगे। पहले स्टेप में मोर्चेबल कार्बोकैटायन आपको देखना है, दूसरे स्टेप में माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड आपको देख लेना है। कभी सिक्स मेंबर से फाइव मेंबर भी बन सकते हैं और बहुत एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, बट मैं इतने ही देने सफिशियंट समझता हूँ फिलहाल के लिए।
यस, COO2 इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ना प्रियंका, याद करो सी डबल बॉन्ड ओ जब भी जुड़ता था, मैंने सब पढ़ा है, माइनस एम ग्रुप कौन से हैं, प्लस एम ग्रुप कौन से हैं, जीओसी में सब पढ़ा है, क्योंकि मेरी अभी क्लास है ऑन अनअकैडमी प्लस ग्रुप थियरी पे, PYQs करेंगे हम सभी लोग। जो प्लस वाले बच्चे हैं वो सब लोग टाइम पर बिल्कुल प्रेजेंट रहिएगा, ठीक है। तो इससे आगे बढ़ेंगे कल की क्लास में, इसमें भी थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक प्रोडक्ट की बात की जा सकती है, सेमी पिनाकोल पिनाकोलन अरेंजमेंट पे भी अभी आएंगे, तो ये एक एक करके चलते हैं। सर IIT जैम एग्जाम कितनी बार दे सकते हैं? बहुत बढ़िया, शाबाश। और कुछ ऐसा पूछो और निकम्मों वाली हरकतें करो, तुम्हें एक बार देने में दिक्कत है क्या? एक बार क्लियर करो, आगे बढ़ो, ऐसा कौन सोचता है? कितनी बार दे सकते हैं, हम यहाँ मेहनत कर रहे हैं बैठ के, इस बार ऐसे रैंक लेके आएंगे, इतना बढ़िया मजा आएगा इन सबको। और यही कह रहे हैं कि हम कितनी बार दे सकते हैं पेपर को, उद्धू भैया। गरिमा बेटा, हर टाइप के एग्जाम्पल आएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। बट ये ध्यान रखिए, मैंने आपको क्या बताया, मैं ऑर्गेनिक रिएक्शन घर पे बनाता नहीं हूँ, कि मैं कहूँ मान लो यहाँ पे विनाइल जुड़ा हुआ है तो किसका शिफ्ट होगा, इसका होगा। अगर वो एग्जाम्पल किसी बुक में किसी नेम रिएक्शन में आ रहा होगा तो आई विल डिस्कस विद यू, राइट, आपके कोर्स के लिए रेलेवेंट होगा तो हम डिस्कस करेंगे, अदरवाइज फालतू का एग्जाम्पल मैं भी बना सकता हूँ, समझ रहे। पर मैं क्यों करूँ, जो रिएक्शंस बुक्स में हैं उन्हीं को मैं एग्जाम्पल देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। चलिए अपना ध्यान रखिए गाइज, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय एवरीवन। लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके जाइए अगर आपने नहीं किया है तो, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, रेगुलर रहिए, रेगुलर डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा जरूरी है। सारे काम आएंगे इस टाइम पे, ये भी करना है वो भी करना है, लेकिन उन सब काम को टालना है आप लोगों को। जैसे हम अपने आप को बहाने मारते हैं, नहीं यार आज तो वो है, आज तो कुछ नहीं है, ये 8 बजे मतलब यहाँ रहना है, जहां जहां क्लास है वहां प्रेजेंट रहना है। बाय एवरीवन, सी यू।